नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। रंगों के पर्व होली का अपना एक अलग ही महत्व है। इस पर्व पर सभी लोग आपसी मन मुटाव भूल कर भाईचारा निभाते हुए परस्पर एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाते हैं। पुरानी परंपराओं को कनीना में भी काफी वर्षों से लोग निभाते आ रहे हैं। होली के इस पावन पर्व पर कनीना में होली वाला जौहर के नाम से प्रसिद्ध जौहर पर होलिका दहन शाम की जाएगी। इस अवसर पर काफी वर्षों से बड़े मेले का आयोजन किया जाता रहा है तथा भंडारे का आयोजन भी समाजसेवियों द्वारा किया जा रहा है। होली पर उसे एक माह पहले होली वाला जोड़ पर डंडा गड़ा जाता है, जिस पर युवा बच्चे द्वारा लकड़ी छड़िया लगाकर होली बनाई जाती है। आज सुबह से ही होलिका पर माता बहनों व लोगों द्वारा पूजन करने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि कनीना में होली वाला जौहर पर वर्षों से होली पर वह मनाया जाता रहा है। इसका एक विशेष महत्व है, होली वाले दिन यहाँ पर खेलों का भी आयोजन किया जाता है तथा बाद मेले का आयोजन भी होता रहा है। वही समाज सेवा द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जाता रहा है। रंगों के स्पैरो का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लोग अपने मनमुटाव भूलकर इस पर्व परस्पर एक दूसरे को रंग गुलाल आदि लगाते हैं तथा होली को हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज शाम को होली वाला जौहर पर होली का दहन किया जाएगा। त्योहार है यहाँ होली वाला जोड़ पे होली मनाई जा रही है। अभी आपने भंडारा लगा रखा है, इसके बारे में भाई? ये तो आप लोगों का भंडारा मेरा क्या है। वैसे होली के दिन ये एक पर्व है, बहुत बढ़िया है। लोगों में एक तो भाईचारा बड़ा रहता है। हर साल तो लगता है यही मेला, देखा है तो एक बुजुर्गों का आशीर्वाद है आप लोगों का। तो ये क्या क्या प्रोग्राम होता है यहाँ? यहाँ पकौड़े बनाए जाते हैं गरम गरम, और कोई खेल कूद का भी खेल भी होंगे। खेल भी होंगे? किस किस चीज के खेल होंगे? कबड्डी दौड़, बुजुर्गों की दौड़, आगे सारे इवेंट है। अब के तो ऐसा लगता है कि मेले का आयोजन भी काफी लंबा चौड़ा हो रहा है। हर साल बढ़ता ही जाता जाएगा, बढ़ता ही जा रहा है। पहले शुरू में जैसे शुरू किया था उस टाइम मुश्किल से 2 कट्टे लगे थे बेसन, और अब कम से कम 10 कट्टे लग जाते हैं और आगे बढ़ेगा।